back the annals of past, how they are spent in this institution. Nothing can be started without remembering our creator. ईश्वर कहते हैं उदास न हो, ईश्वर कहते हैं उदास न हो, मैं तेरे साथ हूँ, सामने नहीं आसपास हूँ, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं, तेरे मन में बसा हुआ एक विश्वास हूँ. So with this, I would like to call upon the stage prayer group to present a prayer song.
Thank you.
Friends, good afternoon, all of you.
कल जब मुझे बोला गया कि अपने इस 12 साल लंबे सफर का कुछ 5-6 मिनट में अपना स्पीच और कल तुम्हें डिलीवर करना है, तो मुझे परेशानी हुई कि मैं इस लंबे 12 साल का सफर कैसे मैं 5-6 मिनट में बता सकूं आप सबको। तो मैं स्टार्ट करता हूं मेरी पहली क्लास की उन लम्हों के साथ जब मैं इस स्कूल में आया। तो मैं कुछ करीब रहा हूँ 5-6 साल का, और उस समय मेरे गर्दन में जो थर्मस था और आंखों में आंसू थे। मम्मी पापा ने तो हमें भेज दिया स्कूल में बिना हमारी अनुमति के कि हमें स्कूल जाना है कि नहीं जाना, फिर भी हमें आना पड़ा। उस समय हमारे बैग में एक पतली सी साइंस की बुक हुआ करती थी जो आज 12th क्लास में केमिस्ट्री फिजिक्स जैसी मोटी मोटी बुकों ने ले ली है। हमारा ये सफर साइंस की पतली बुक से ऐसा जितनी मोटी फिजिक्स की बुक तक नहीं है, वो से भी लंबा है। आरडी ने जिसने मैथ लिया, मेरा बायोलॉजी था। मुझे याद है जब मैं पहली बार ऑफिस में बुलाया गया, वहां पे सुजाता मैम बैठी थी और उनके वो शब्द मुझे आज भी याद है। लगता है प्रिंसिपल सर नहीं है क्योंकि जो उनका रूम है वही सुजाता मैम का ऑफिस हुआ करता था पहले। नाउ स्टार्टिंग में वही ऑफिस था। और मुझे वो भी याद है कि हिंदी की कक्षा में निशियन का हुआ मुझे डांटना ताकि मेरी हिंदी थोड़ी इंप्रूव हो जाए। आज वो टीचर हमारे साथ हमारे क्लास में हमको नहीं पढ़ाती, उस बात का बुरा लगता है, फिर भी थैंक यू मैम फॉर मेकिंग मी दैट मच। हम फर्स्ट क्लास से सेकंड क्लास गए, सेकंड क्लास से थर्ड क्लास गए, पर उन सफर में हमारे साथ कुछ नए टीचर्स जुड़ते गए जो आज हमारे बीच यहाँ पे नहीं है, वो सफलता के लिए कहीं और स्कूल में चले गए। फिर भी उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमको इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने यहाँ पे स्पीच देने के लिए खड़ा हूँ। मैं उस सफर में हमारी हिंदी के टीचर निशी मैम से हमारे हीरालाल सर हो गए, स्वतः मैम और डॉक्टर सारिका मैम से हमारी सुजाता मैम हुई, स्वतः मैम से हमारे जीजो सर हुए और जीजो सर की जगह आज सृजा मैम ने और राठौड़ सर ने लिया। तो आप सभी को धन्यवाद। आज मुझे मौका मिला है कि मैं उन सभी टीचर्स का धन्यवाद कर सकूं जिन्होंने हमारे को इस काबिल बनाया। और कुछ टीचर्स हमारे बीच में जो न्यू है, मैं उनको पर्सनली नहीं जानता, फिर भी आप सभी को थैंक यू कि आपने अभी भी आप अपने इस मूल्यवान समय को हमारे जैसे बच्चों के लिए दे रहे हैं। मैं उन सभी टीचर्स का धन्यवाद करना चाहूंगा जैसे कि विंसन सर, सतीश सर, मुकेश सर, देवी सिंह सर, जय सर, अजीमोन सर, भवन मैम एंड हर्षिल सर, आप सभी को धन्यवाद। और उन सभी टीचर्स को और अभी हमारी आती है हमारे उन शरारती दोस्तों की जो हमारे इस 12 साल के लंबे सफर में हमारे हर अप्स एंड डाउन्स में हमारे साथ थे, जो हमारी हर तकलीफों में हमारे साथ थे। हम आज भी मुझे याद आता है वो क्लास के बीच में लंच बॉक्स खोल के खाना, और जब टीचर हमसे पूछे कोई शरारत करने के बाद तो अपने दोस्त का नाम बता देना ताकि उसको डांट पड़े हर हम बच जाए। और कभी कभी उसी दोस्त के लिए टीचर के सामने जबरदस्ती खड़े हो जाना कि गलती उसने नहीं की मैंने की थी, वो सब मुझे याद है। और मुझे वो भी याद है कि क्लास बंक करके हम क्रिकेट खेलने जाते थे, स्पेशली सोसाइटी क्लास। जब पहली क्लास में मिले थे तब अनजान थे, आज वही एक दूसरे की जान है। कभी
सोचते थे कि पीरियड्स 8 पीरियड्स तो निकल गए, कैसे ना जाने कैसे ये 8 साल निकल गए। खुश में सुख दुख में अच्छा बुरा सब सब में हम साथ थे, और कक्षा में सभी से करते हम मजाक मस्ती। और आज मैं सोचता हूँ कि क्यों हम इतनी जल्दी बड़े हो गए। हमें हमारे जीवन के कुछ टीचर्स ऐसे हो गए। मुझे याद है ABCD से लेके अल्फा बीटा तक ऑक्सीजन और कार्बन तक। और बचपन में जब हमने अंडों को देख के सोचा था कि इसमें चूजे कैसे निकलते हैं, उस चूजे से आज स्केलेटन तक सबका सफर हमने इन 12 सालों में तय किया है। और हमारे जीवन में दो तरह के टीचर्स होते हैं, पहले लाइफ मेकिंग टीचर्स एंड लाइफ चेंजिंग टीचर्स। और लाइफ मेकिंग टीचर्स के बारे में तो मैंने बता दिया आपको, अब बारी है लाइफ चेंजिंग टीचर्स की, जो हमें मिलते हैं हमारे 12 साल के सफर के आखिरी 4 सालों में, जैसे कि जैसन सर, मनोज सर, विनोद सर, कला मैम, आप सभी को धन्यवाद। और वैसे बहुत सारे टीचर्स हैं, जैसे कि सुरेश सर, रमेश सर, श्रीजा मैम, आप सभी को धन्यवाद। आपने हमें डांटा भी, आपने हमें समझाया भी, गलती करने पे आपने सुनाया भी, और मार्क्स कम आने पे भी सुनाया। पर आपने उस समय भी हमें गलतियां बताई कि हमारी मिस्टेक्स क्या है। आप सभी को धन्यवाद कि आपने इस लंबे सफर में हमारा साथ दिया। और आज आप सभी को धन्यवाद। और कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जैसे कि प्लेबैक सिंगर्स, जो कभी सामने नहीं आते फिर भी उनका महत्व अलग होता है। जैसे कि प्रिंसिपल सर हमारे, वो हमेशा हमारे साथ पीछे रहते हैं पर कभी सामने आके हम जताते नहीं है। हमारे सिंगल मैम, फिर लाइब्रेरी टीचर्स जो हमारे पीछे रहती हैं पर हमारे ज्यादातर जताती नहीं है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग व्हाट यू हैव गिवन इन दिस 12 इयर्स ऑफ लॉन्ग जर्नी। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू। I am the Sushma of class 12 to feel honored to stand over here, and I would like to speak at our farewell party on behalf of my class. Today is a very emotional day. I am feeling sad and elated both on the occasion. Sad because we have been studying in school since kindergarten. This long association with the school will be missed by all of us because we have made many sweet memories in this school. So today I am going to share some of my memories that we have spent in the school. Friends, can you remember when we were kids, तो हम स्कूल का नाम सुनकर ही डरा करते थे। But आज जब इसी वर्ड को सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। So मैं उन्हीं moments को अपनी एक poem के द्वारा आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आज वक्त को रोकने को जी चाहता है, न जाने क्यों कुछ छूट जाने से डर लगता है। बच्चे बनकर ही तो आए थे हम सब, एक दूसरे से कितने पराए थे हम सब। स्कूल के कुछ दिनों में ही हम एक हो गए, हंसने खेलने के बहाने अनेक हो गए। दोस्तों 13 साल पहले इस सफर की शुरुआत हुई थी, UKG से हमारी स्कूल लाइफ स्टार्ट हुई थी। सूरज की पहली किरण से थी शुरुआत हमारी, पूरे दिन की बस मस्ती फिर रात थी हमारी। सोचते थे कि जल्दी यहाँ से चले जाएंगे, अब तो ये भी नहीं पता कि आगे ये समा पाएंगे ना पाएंगे। क्लास 11 के रिजल्ट ने हमें हमारी असलियत दिखाई, एक दूसरे के कंधे पर हाथ रख के बोले, अपने बस में कुछ नहीं है भाई। ना चाहते हुए भी इस भीड़ का हिस्सा बन गए, उस स्कूल की मस्ती और यादें हमारे लिए एक किस्सा बन गए। याद आएगा हमें यूँ आप सबसे बिछड़ जाना, वो रात को देर से सोना,
हजारों बातें रह गई, ना बोलने वाली ना सुनने वाली कुछ यादें रह गई। मुझे पागल भटकी एलकेजी अब कौन बोला करेगा, मुझे अलग अलग नाम से अब कौन पुकारा करेगा, मेरी बातों से परेशान अब कौन होगा, बहन अब तो चुप हो जा कौन कहेगा, मुझसे बिना पूछे मेरा पानी अब कौन खत्म करेगा, टेस्ट के दिन यूनिटी बनाकर टेस्ट कैंसिल करवा लेते हैं अब कौन कहेगा, वो निशा को हिंदी बुलाने का किस्सा, वो कर्नल रोहित के नाक का किस्सा, कोई एक पानी भरने जाता तो उसको हम सबकी बॉटल पकड़ाना, वो साथ में पर्चियों वाली गेम खेलना, फिर वो टीचर्स का गुस्सा झेलना, वो हमारी छोटी छोटी बातों की टकरार, वो हमारी क्लास के बॉयज के आपस का प्यार, वो पेन पेंसिल और इरेजर का उधार, चॉकलेट केक और उसे खाने वाले चार, वो रात को जागना, वो लेक्चर से भागना, वो बेतुकी सी बातों पर टीचर्स का डांटना, वो बोरिंग सी क्लास में हम सब का सोना, वो लास्ट बेंच पर आर्टिस्ट उसका अलग सा कोना, वो आपस में लड़ना और टॉपर से पढ़ना, वो स्कूल से छुट्टी और तुहार का बहाना, वो टेस्ट के दिन यूनिटी बनाकर एक दूसरे को चीटिंग करवाना, कभी आगे वाले से पूछना तो कभी पीछे वाले को दिखाना, वो अपनी गुड लैंग्वेज बनाकर एक दूसरे को इशारे में आंसर्स बताना, अब ये सारी चीजें हम कहाँ कर पाएंगे, अब हम सब एक दूसरे के बिना कैसे रह पाएंगे, याद करके तुमको ये आंखें तो भर आएंगी, वो क्लासरूम की शैतानियाँ, वो मनचाही मनमानियाँ याद आएंगी, आखिर आ ही गया वो दिन जिसका हमें इंतजार था, अब बिछड़ जाएंगे यार सारे जिनसे हमें बहुत प्यार था, क्लास और ग्राउंड वाली कहानी अब होगी खत्म, अब अलग होगी मंजिल और अलग होंगे हम, स्कूल में पढ़ते पढ़ते आज ये दिन भी आ गया, एक नए पड़ाव में जीने का दिन आ गया, बहुत कुछ लिखा है बहुत अभी बाकी है, कुछ पल का साथ शायद अभी बाकी है, पहुंच जाओगे जब अपनी अपनी मंजिल पर, तब ये यार दोस्त ही याद आएंगे, एक कप चाय की चुस्किल के साथ ये सारे फसाने याद आएंगे, बस एक बात का डर लगता है दोस्तों, हम अजनबी ना बन जाए दोस्तों, जिंदगी के रंग में ये दोस्ती का रंग फीका ना पड़ जाए, नौकरी के दौर में ये दोस्ती ना लुप्त हो जाए, जिंदगी में मिलने की फरियाद करते रहना, मिल ना सके तो भी याद करते रहना, मेरे दोस्त जरा ठीक से देख लो, कहीं कुछ छूटा ना हो, कहीं तुम्हारी वजह से किसी का दिल टूटा ना हो, भूल कर सारी रंजिशें आज गले मिल लो, एक बार फिर मिलने का वादा कर लो, क्योंकि जा रहा है जो वक्त फिर आने से रहा, दिल थाम कर आँख पोंछ कर अलविदा कहना पड़ रहा, आ गया वो मूड जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा, आ गया वो मूड जिसमें अलविदा कहना पड़ रहा। Now I would like to invite Komal Rani, student of class 10th A, to share her experience. Afternoon everyone. Delivering speech on this occasion means a lot for me, and right now I'm feeling really fortunate that I got this opportunity. This speech of nearly 500 words contain more than a million of emotions which we, the student of class 10th, has felt throughout this journey of 11 or 12 years. School. This place not only taught us A plus B the whole square, but also how to be mentally prepared. I would like to begin my speech by saying few lines for our school. जिंदगी के आधे से ज़्यादा पल हमने स्कूल में बिताए हैं, जिंदगी के आधे से ज़्यादा पल हमने स्कूल में बिताए हैं, बाकी सब तो हम भूल जाएंगे लेकिन स्कूल के पल जाने के बाद ही याद आएंगे। इवन अ सिंगल इंसिडेंट इन अ क्लास बिकम्स अ मेमोरी, बिकमिंग अ क्लास मॉनिटर फील्स लाइक बिकमिंग अ पॉलिटिकल लीडर और अ न्यूज़पेपर एडिटर हु रिपोर्ट्स ईच एंड एवरी न्यूज़ टू क्लास टीचर विद देयर स्पेशल एडिटिंग। Sitting in the class and randomly singing one line of a song when the teacher has not arrived and when the whole class joins to complete that song has a different fan base. Even when the teacher beats our friend, instead of consoling them, we laugh at them. We all love each and every moment that we spent in school, but the only heartbreaking moment was shuffling.
But with time, our bonding with our new classmates became even more stronger. But school is not just for fun, and for reminding this to us, we had and will have our teachers. When we were right, they were with us, and when we were wrong, they corrected us. They were the only one who were knowing our potential better than us and always encouraged us whenever we lost our hopes. I would like to thank every teacher for handling our naughty behavior. But I think they will agree that not only we enjoyed the jokes in class, but they too enjoyed it sometimes. I must say that words shall forever be insufficient to express how extremely grateful we are to be counted among your students. In our childhood, we had only heard the Sanskrit rituals, but Dev Singh sir helped us understanding them. When we were small, we were just knowing how to speak Hindi, but Nishi ma'am taught us how to write it. I'm sorry I'm not able to mention the remaining teachers, but I would like to say that your inspirational words are like beautiful footprints that have been left in our mind and heart. Completing 11 years in this school is a long journey only in times of words, not in times of memory. We will miss a lot of things like sliding in corridor, requesting PE teacher for taking us to the ground, asking teacher about their journey of reaching here so that they can stop teaching for some time, peeping out of the door when the exams are over in order to see whether teachers are bringing papers with them or not, etc. There are many more, but if I will make you count further, then this farewell party would not proceed. So here I am giving relief to my words by saying few lines for our class teacher Srija ma'am. मिले हो आप हमको कुछ ऐसे कली को मिल गई किरण हो जैसे एक फोल्डर है सेव दिमाग में हमारी श्रीजा मैम और टेंथ ए के नाम से वेरी ब्यूटीफुल स्पीच एज वी नो दैट स्कूल इज लाइक आवर सेकंड होम एंड टीचर्स आर आवर सेकंड पेरेंट्स एंड दे हैव मोटिवेटेड अस इन एवरी फेज ऑफ आवर लाइफ एंड विल बी मोटिवेटिंग अस इन एवरी फेज सो विद दिस I would like to welcome Jason sir to say few words for outgoing batch. Good afternoon. Dasaratal principal sir, vice principal ma'am, my colleagues and dear students. It's a very special day as we bid farewell to a group of young students. After spending almost 12 years somewhere more than that in the school. They have been waiting for many years to go outside and join the colleges. And finally the day has come here to break their long time wait and leave the school's portal and enter into another world. It was a long journey, however, spent very quickly. Just because of your will to do something better in life, your future. My dear students, do not look back by standing at the threshold of this school. Just look forward and go ahead to see the new world. Our well wishes are always with you. The world needs more intelligent children or youngsters like you. Success will be on your way. Just keep something on your mind. Then be always right in your actions and never forget that truth always wins. Use your power to make others happy. Never surrender to any bad situations and keep strong belief in yourself. Go and earn name and fame and come back to us and tell us your success stories. We are waiting for that. Be optimistic in your actions and attitudes, and I bless you all a good future ahead. Thank you very much. Thank you. So it was very motivating. Now taking the program further, now an exciting event is waiting for you. Yes, a dance performance full of energy and skill. So let us call them on the stage. அந்த தோழிய பாத்திர மாலம் ஆக்கி பார்க்க சொல்லா அந்த
साइकिल देंगे, नई साइकिल देंगे। हमारा देश प्यार का देश है, हमें बताए ऐसा क्षत्रिय आत्मा तलवार लेकर युद्धमा उतरे माने चारणो छंद बोलवा उतरे पछी देवो ने एनी रीते मोठवाई जाऊ एम दखलगारी नो करवी जरा એટલે बहुत अच्छी स्पीच थी बच्चों ने और सच में इट वॉज रियली इमोशनल। थैंक यू माई डियर स्टूडेंट्स। सो गुड आफ्टरनून एवरीबडी, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, वाइस प्रिंसिपल मैम, कलीग स्टूडेंट्स एंड माई डियर ऑल गोइंग 10th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, आई एम ऑनर्ड एंड प्लीज टू डिलीवर दिस फेयरवेल स्पीच टूडे। फर्स्ट ऑफ फेब इज अ डे ऑफ जॉय पर्टिकुलरली फॉर द 12th स्टैंडर्ड students, and we are all here to bid farewell to our students who are leaving this school after successful completion of their 12th year in the school. I welcome you all to this colorful ceremony, my dear 12th class and 10th standard students. Despite some hard tasks, sadness and grief that you have encountered in the course of your studies in school, at the end of it all you completed this part of journey with great achievements and beautiful memories. Being tough with you at times does not mean that we hate yourself, but to prepare you for a greater challenge ahead and to nurture you to build a strong foundation of for your next level. Under our guidance you have attained this impressive milestone in your life with great honor and integrity. Today I am honored to say we are proud of your achievements, many appeals rather over the years. Your brilliant accomplishments in almost all curriculum and extracurricular activities, your brilliant achievements in academic discourse and in sports are indeed acknowledged. Your sweet memories will forever remain in our hearts. On behalf of the school, I bid you farewell and wish you best of luck in your days ahead. May God bless you all. So at last, I have seen your struggles and dedication for exam. Do not stress, take time and do your best. I believe that you will do well. All the best for your exam. Thank you very much. Thank you sir for inspiring us. Now, dance is an expression of our inner feeling. So, students of class 11 are ready to make steps according to the rhythmic music to rock the audience. टुकड़ा
What a marvelous performance it was. Now, I would like to welcome Kritika Tiwari of class 12 to recite a poem. I would like to thank Principal Sir for allowing me to speak here. Thank you so much, sir. I would hardly take 5 minutes. If I am able to stand here, I would like to thank my mother. Yes, because of her, I am able to stand here. She has supported me. She is supporting me and she will be supporting me forever. Thank you so much, Mama. Secondly, Principal Sir, you are also supporting me a lot. Because of your support, I am able to stand here. This school has supported me a lot. You know why I indicated you all? Because without you all, it's just a building, it's not a school. Without wasting you much time, I would like to share some of my views which I've written like a poem few months ago. Mujhe zarurat nahi kisi ke saath ki, khud mein khush reh lungi main. Jitni khushi maa ne mujhe di hai, usse dogni khushi unhe dungi main. Jab maa ki aankhon se khud ko dekha, to khud se aisi mohabbat hui. जब माँ की आंखों से खुद को देखा तो खुद से ऐसी मोहब्बत हुई. तुझसे जुदा होने के डर से माँ मैं कल रात बहुत रोई. सारा दिन काम करने के बाद थक जाती होगी तू. सारा दिन काम करने के बाद थक जाती होगी ना तू. माँ एक मुस्कान के पीछे इतने गम कैसे छुपा लेती है तू. इस दुनिया में खुद की पहचान बनाऊंगी मैं. किसी के लिए उम्र भर रोती नहीं रहूंगी मैं. तेरी बेटी हूँ माँ, खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी मैं. खुद के पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी मैं. यू माइट बी थिंकिंग कि आज मदर्स डे तो नहीं है, फिर माँ के ऊपर क्यों बोल रही हूँ मैं. एक्चुअली आई वॉन्टेड टू डेडिकेट दिस पोएम टू ऑल द लेडी टीचर्स इन आवर स्कूल. हम बोलते तो हैं कि हाँ उन्होंने हमें माँ का हम उनको माँ का दर्जा देते हैं, बट कैसे देते हैं, इसलिए मैंने ये पोएम आप सबके साथ शेयर की थी. सेकेंडली, आप सब ने एक लाइन सुनी होगी. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे. एक्चुअली आई हैव रिलेटेड दीज लाइन्स विद माय स्कूल एंड टीचर्स. लेट मी शो यू हाउ. उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दिस इज़ फॉर प्री प्राइमरी टीचर्स. वो हम बच्चों को हाथ पकड़ा के लिखाते हैं, इन द सेंस हमें लाइफ में आगे बढ़ाते हैं. दहलीज ऊंची है ये पार करा दे. अब हमें इस स्कूल की दहलीज को पार करके एक नई दुनिया में जाना है, जो कि हम बिन टीचर्स से कभी नहीं कर पाते. इसलिए प्लीज आप टीचर्स के लिए एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज हो जाए. सेकेंडली, दिस इज द लास्ट ईयर ऑफ माई स्कूल, सो हाउ कैन आई फॉरगेट माई फ्रेंड्स एंड मेमोरेबल मोमेंट्स. फॉर दैट आई हैव रिटन फ्यू लाइंस. Somehow, somewhere, I really don't know when, but the last year of my school life is going to end. My first day was very silent in the school, but there were some fellows who were really cool. I was afraid of everyone and did not talk with them in the corridors I used to walk. The speciality of backbenchers was very different. Their whispering and gossiping were frequent. Whenever they felt boring during the class, they used to sleep, laughing at others and sometimes making them to weep. Those mischief we used to do in the class, shouting in the absence of teacher and running in the class. On the day of death and the chits were passed, these memories will remain in our heart for last. During the class, when there was a rain, all used to look towards the window and get the mud's pleasant smell. How one would forget this nostalgia, it would bring a lot of pain. The day has come when we are getting our farewell. Then we will leave this school by thanking to all, one passing the exam with flying colors, and then the world would welcome us with a huge round of applause. The school has given us many memories and plenty of knowledge. We will be grateful to it for now and always. Somehow, somewhere, I really don't know when, but the last year of my school life is going to end. Actually, I was unable to learn and remember all the things, so I missed many lines also. But sorry for that. Thank you so much. शाही जोड़ा पहन के
आई जो बंधन थी वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शर्मा इस बगल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है। Yeah.
right. The two hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last. Good afternoon to the respected principal sir, vice principal ma'am, fellow teachers, students, and my dear outgoing 10th and 12th standard students, especially 12th standard, because most of them, that means their 10th standard will be continuing here, I think so. So it is most probably for your 12th standard students, okay? Now, we all know that this is an emotional day. It will be giving you pleasure as well as emotions also. That is, you are just departing from your friends. That will be the more painful thing to you. Teachers also? Okay, let me guess so. Now, already the two teachers have given the speech, so I don't want to give a speech to you. Already you are good enough for that. I will just say some quotes which will be, I think, useful for you for your future life, okay? Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way to succeed is always to try just one more time. Ask yourself if what you are doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. Don't let what you cannot do interfere with what you can do. Stop your distractions, feed your focus. The future depends on what you do today. The strongest factor for success is self-esteem. Believing you can do, believing you deserve it, and believing you will get it. I wish you all the very best luck to each and every one of you for your future. Wherever you go, remember to carry the values and morals with you. That is the only thing which I want, because nowadays morals are less, values are less, remaining you have. So thank you. Entry of studio students. Entry of biology teacher. फेसबुक क्या ही करोगे तो आज का
present. Okay, Nagro, stand up. Nagro, I'm talking to you. Stand up. Ji ma'am, bolo. Photosynthesis. क्या होता है? अरे उमाना उमाना, अरे उमाना उमाना, उसी को उसी को उसी को आ रहा है, मैं मार रहा हूँ, आ रहा है। मैम, फोटोसिंथेसिस इज़ द प्रोसेस इन विच चार प्लांट गोज़ टू पिकनिक एंड वन प्लांट टीचिंग द फोटो ऑफ अदर थ्री प्लांट देन सेंडिंग इन द ग्रुप फोटोसिंथ हो गया ना सिंथ देन फोटो ग्रुप में किधर है देन फोटो इन दिस मैम हो गया ना फोटोसिंथेसिस क्लास यस मैम फोटोसिंथेसिस क्या है मैम फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल एक मिनट फिर से रिपीट करना सुनो ध्यान से मैम फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय देयर ओन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सुना मैम यही तो बोला था क्या गलत है वो प्लांट्स टीचिंग फोटो पता नहीं क्या बकवास करते हो तुम कहां से सीखते हो ये सब मैम मेरे दोस्त सोनू ने सिखाया था अच्छा वैसे मैंने मतलब तुम्हें बोलते हो सुना है बट तुम इंग्लिश तो तुम्हारी थोड़ी वीक है बहुत खराब सी इंग्लिश बोलते हो वीक सी सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड यस मैम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या है एक्टिव वॉइस मैं अभी बोलता हूं पहले एक्टिव वॉइस बोलो तो मेरे दिल का ले गए चैन और मैम पैसिव वॉइस मेरे दिल का ले गए चैन तेरे मस्त मस्त What the hell you are doing? Good morning, sir. बैठ जाओ. Good morning. वैसे बच्चों बताना चाहूंगा कि तुम्हारे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं तो तुम सबके डाउट्स क्लियर करूंगा आज मैं जिसको जो भी डाउट हो पूछ सकता है और आज तुम्हें बता दूं कि हमारे बीच में जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है आज के लिए खत्म हो जाएगा ठीक है तो फ्रेंकली बात करेंगे आज हम जो भी बोलो फ्रेंकली बोलना और बाला कैसा है यार तुम बोली ये सिखाया जाता है तुम्हें इतना फ्रेंकली होने के लिए नहीं कहा था बैठ जाओ वैसे जिसको जो डाउट है वो पूछ सकता है पूछो हाँ बोलो सर टर्की का कैपिटल क्या होता है वैसे तो मुझे भी नहीं आता टर्की का कैपिटल टी होता है सर कनाडा का सी होता है चाइना का सी होता है अमेरिका ए बैठ जाओ तुम बता दो कि किसी जगह का कैपिटल उसका फर्स्ट लेटर जो कैपिटल लेटर हुआ वही होता है आपसे कोई पूछे तो यही बताना ठीक है नाक मत कट मेरी यस सर ठीक है और कोई डाउट है तुम्हारे सर सर इसरो की सीट पे कौन बैठता है इसरो की सीट पे इसरो की सीट पे वैसे बताना चाहूंगा हमारे स्कूल में दो हीरो हैं इसरो और उसरो इसरो में तुम बैठते हो बैठ जाओ सर सर और कोई बड़े डाउट लाओ ऐसे छोटे बड़े डाउट क्या होते हैं बोलो सर हम हिंदी में बात करते हैं इंग्लिश में भी बात करते हैं सर हम मैथ्स में बात क्यों नहीं करते मेरे सामने 3-2-5 मत क्या अगर मारूंगा 9-2-11 हो जाएगी बैठ जा आ जाती है कहीं से भी बोलो क्या डाउट है तुम्हें Sir, what will be the reaction when ethanol is mixed with bhindi ki sabji, aloo ki sabji? Good question. 5 marks ka question hai. Theek hai? वैसे बताना चाहूंगा
क्लास में तो तुम कुछ करते नहीं हो, वैसे इतने अच्छे डाउट कहाँ से लाते, बहुत अच्छा डाउट है, इतना अच्छा डाउट है इसका जवाब गलत होगा, ठीक है बैठ जाओ शाबाश। और तुम डाउट लाओ यार ऐसे छोटे, हाँ बोलो सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर? समर एंड विंटर, गुड क्वेश्चन, चार मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है कॉलम ड्रॉ करो, कॉलम एक में लिखो समर एक में लिखो विंटर, लिख लिया, देखो समर है सिक्स लेटर, विंटर ऑल्सो है सिक्स लेटर। अरे भाई समर पढ़ना है एस यू, विंटर डब्ल्यू से स्टार्ट होता है, समझा? अभी सेकंड पॉइंट लिखो, समर इज हॉट विंटर इज कोल्ड। अरे सर, थैंक यू। थर्ड पॉइंट ऐसा है ना, ऐसा है ना, मैं भी कभी कभी भूल जाता हूँ। देखो समर है समर वेकेशन, विंटर है विंटर वेकेशन। सर ये तो हमने सोचा ही नहीं, अब सोच लो ना। थैंक यू सर। अभी फोर्थ पॉइंट ऐसा है ना, इस पे फ्लैट रहेगा, तू फेंक कर मार्क्स देगा। देखो माय मम्मी लाइक समर सीजन, माय फादर लाइक विंटर सीजन, लाइक बोथ सीजन, हेंस मुझे माफ कर, ओम साई राम सबसे पहले लूंगा मम्मी डैडी का नाम। थैंक यू, ऐसे मैं इतना खास भी नहीं। अभी एक क्वेश्चन पूछूंगा वासुदेव तुमसे, वासु खड़े रहो। मान लो तुम्हारे पास 20 रसगुल्ले हैं भाई, मान लो अज्यूम कर लो, वैसे मैथ में करते हैं, उसमें से तीन तुमने इस लड़की को दे दिए। नहीं सर मेरे को बहुत पसंद है सर, मैं नहीं दूंगा। नहीं मान लो भाई, दे दो उसको। चलो दे दिए सर, मुझे भूख नहीं है, इसको दे दो। हाँ चलो तुम खा लो, वैसे सुखड़ी हो गई हो, ठीक है तीन उसको दे दिए, तो बताओ तुम्हारे पास कितने बचे? सर 1000। वो कैसे? सर आपने मान लिया, मैं नहीं मान सकता। वैसे ठीक है, चलो ठीक है, तुम सबके डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए, अब आशा करता हूँ टेस्ट में अच्छा लिखोगे, ठीक है? मेरी नाक मत कटवाना। एंट्री ऑफ हिंदी टीचर। सर अरे लड़कों का क्या है रे, लड़के तो बेशरम होते हैं, लड़कों को एक दिन मारो तो महीनों भर रोती रहती है। सर आज आप ये पढ़ाने वाले? अरे ये कुछ नहीं है रे रट्टा भाई, चलो बंद करो, मैं तुमसे प्रश्न पूछता हूँ उसके जवाब देना। अच्छा ये बताओ, अगर के अंदर लावा है तो बाहर क्या है? मास्टर जी अगर पृथ्वी के अंदर लावा है तो बाहर एमआई वीवो ओप्पो है। शादी की तरह बिना सोचे समझे जब मत दे, बैठ जा। अच्छा मुझे बताएगा कोई घर की परिभाषा क्या होती है? सर जो घर हौसलों से बना हो उसे कहते हैं हाउस, जिन घरों में हवन होते हैं उन्हें कहते हैं होम, और सर जिन घरों में ना हमेशा हवा चलते रहती है ना उसको बोलते हैं हवेली। जिन घर के कान होते उन्हें कहते हैं मकान। अरे भांग पीकर आ गए हो क्या रे, बातें रहे हो। अच्छा तू खड़ा हो जा। सर ये तो असली डेफिनेशन मैं बताता हूँ सर, जिस घरों के लोन का इंस्टॉलमेंट भरते भरते आदमी नीचे लेट जाता है सर, बिल्कुल लेट जाता है, उसे फ्लैट कहते हैं सर। अरे सर असली पॉइंट तो मैं बोलता हूँ सर, जिस घर के बगल में कौन रहता है उसे वो भी नहीं पता, उसे बंगलो कहते हैं। बात सर। चलो तुम खड़े हो। यस सर। तुम एक कोई कविता सुनाओ। सर कविता तो मैं सुनाऊंगा लेकिन सर वहां आने का कष्ट करूंगा। आजा रे आजा। बस सर कविता सुनाता हूँ।
भाइयों आप सब सुनना, मेरे क्लास के सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। मैं क्या सुना रहा हूँ देखना, ध्यान से सुनना, कोई भूल गया ना तो मैं बीच में पूछ लूंगा। राजू की अम्मा पकड़ के खम्मा और नाचे छम्मा छम्मा। कपिल शर्मा शो करने के लिए नहीं। अच्छा तुम खड़े हो जाओ, लंबू खड़े हो जाओ। तुम कोई कहानी सुनाओ जिसमें कोई सीखो। सीखो, कल मैंने अपने दोस्त को कॉल किया, वो सो रहा था। परसों उसने मुझे कॉल किया, मैं भी सो रहा था। सीख हमें मिलती है, जैसी करनी वैसी भरनी। बैठ जा और लंबू तू खड़ा हो जा। यस सर। वैसे तेरे पापा करते क्या है? सर मेरे पापा गाली खाते हैं सर। शोरमा वाली है क्या रे? नहीं सर, मेरे पापा कस्टमर केयर में काम करते हैं। कहाँ से ऐसी ट्रेनिंग ली है गाली खाने की? अरे सर मम्मी से ली है। ऐसी ट्रेनिंग मम्मी ही दे सकती है, बैठ जा। तुम सब पढ़ लिख कर कुछ ना कुछ बड़ा आदमी बनना चाहते हो। तू खड़ा हो जा, तू क्या करना चाहता है? सर शादी। अरे मेरा मतलब तू बनना क्या चाहता है? सर पापा। तू वही बनेगा नलायक, तू बैठ जा। चलो तुम खड़ी हो जाओ, तुम क्या बनना चाहती हो बताओ। सर मैं नेत्र नेत्र चाय करना चाहूंगी। ये कौन सा डिग्री है? सर आई मीन IIT। ओ बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। अच्छा बच्चों, आज हम बाथरूम पर चर्चा करने वाले हैं। चलो तुम खड़े हो जाओ, बताओ। सर मेरा बाथरूम 10 लाख का है। सर मेरा बाथरूम 20 लाख का है। सर मेरा 30 लाख का है। अरे सर ये तो कुछ नहीं सर, जिस खेत में मैं रोज लोटा लेके जाता हूँ सुबह, वो पूरे 7 करोड़ का है। ऐसे खेत में रोज बचाता हूँ सर। सर इनके लिए एक नोटिस है। छुट्टी। अरे इसे भोगने तो दो। भोगता हूँ सर, इनके अगले हफ्ते से एग्जाम शुरू होने वाले हैं। थैंक यू सर। सर इतनी जल्दी एग्जाम कैसे हो गए सर? चलो यार चलो, छुट्टी हो गई, एग्जाम है, पढ़ना पड़ेगा। चलो चलो एग्जामिनेशन डे। भैया बता देना, बता देना पीछे बैठा है। नहीं बताना, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं आता भाई। Thank you.
सर सर मुझे इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, लगता है मिसप्रिंट हो गया। बेवकूफ, पेपर सीधा पकड़। सर सॉरी। सर मेरा सप्लीमेंट। ये क्या? तुमको कुछ आता है? मेरे को आता है सर। सर एक मिनट सर प्लीज सर प्लीज सर 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 एक मिनट सर सर एक मिनट सर फट जाएगा सर फट जाएगा। एक मार्क्स का तो आएगा नहीं तेरे को। 80 मार्क्स का पेपर था, 90 मार्क्स का कैसे छूटा? अरे एक पेपर आया भाई। और कहीं क्या? ए यार क्या होगा भाई, फेल पक्का। कुछ नहीं आया भाई, मेरे तो कुछ नहीं आया। मैं तो पूरा छाप के आया हूँ, छाप के भाई। क्या हो रहा यार, चलो देखते हैं। मैं से देख लिया रिजल्ट आई। तेरे कितने मार्क्स आए? सिर्फ 97.225। और मेरे तो बस 92। यार मेरे सिर्फ 98। यार इतने कम, मम्मी तो मारे डाले। मम्मी छोड़, पापा मारेंगे। मैं तो सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही फेल हुआ हूँ, वो भी जो 6 महीने में किया। हेलो यार, कैसा है यार, काफी दिनों बाद मिला यार तू। तू है कौन? अरे भूल गया मुझे, मैं तेरा बचपन का दोस्त जो तुझे मारा करता था। अरे सुन यार, काफी दिनों बाद मिले यार। देख यार क्या दिन थे यार, काश हमारे वो दोस्त साथ में रहते। अरे कॉल कर तो सबको बुला ना यार। यार